हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल आज ये सभी क्लास का टाइम शुरू हो चुका है जो हम गुजरात नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसको लेके हम लोगों ने क्या है एक सीरीज चला रखी है मोटिव ये है कि सी का एक भी एम गलत नहीं करना है ठीक है सी के टॉप मोस्ट एम देखने हैं हमें तो उसी को लेवल को हम आगे बढ़ा के अब क्या करते हैं सर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने ऑल आर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर एक्सेप्ट एक्सेप्ट का सवाल पूछा है भाई अरे किसका सवाल पूछा है एक्सेप्ट का सवाल पूछा है याद रखिएगा यहां से पूछा है आपसे ग्रॉस रूट लेवल का सवाल पूछा है कि और एक्सेप्ट ग्रॉस रूट लेवल कौन सा होता है अरे कहने का मतलब है ग्रॉस रूट लेवल कौन सा होता है भाई तो ग्रॉस रूट लेवल वो लेवल होता है जो जमीन से जुड़े हुए कहने का मतलब है बिल्कुल लो लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उन्हें कहते हैं ग्रोस रूट लेवल क्या कहते हैं एक नहीं है आंगनबाड़ी वर्कर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट विलेज हेल्थ गाइड या हेल्थ असिस्टेंट बताइए सर अब इनकी बात कर लें तो ग्रोस रूट लेवल के अंदर क्या क्या आता है आपके क्या क्या आता है ठीक है तो मैं बात बता देना चाहता हूं आपको कि क्या क्या आता है एक तो आती है आपके आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है ये ग्रोस रूट लेवल पे आती है एक आपके आशा जो होती है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ठीक है ये ग्रोस रूट लेवल में आती है एक आपके क्या है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट टीबीए ये भी इसी के अंदर आती है विलेज हेल्थ गाइड क्या है ये अरे इसको बोलते हैं विलेज हेल्थ गाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं विलेज हेल्थ गाइड बोला जाता है ये किसके अंदर आती है ये सब, के सब ग्रोस रूट लेवल पे आते हैं किस पे आते हैं सर अरे ये आपके ग्रोस रूट लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर तो ग्रोस रूट लेवल पे आएगा ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट अरे भाई ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट टीबीए की पोस्ट होती है ठीक है इसके बाद आता है विलेज हेल्थ गाइड क्या आता है विलेज हेल्थ गाइड तो ये भी इसी के अंदर आता है लेकिन जो हेल्थ असिस्टेंट होता है ये किसके अंदर कौन से लेवल पे होता है ये पीएससी के लेवल पर होता है होता है कि नहीं होता है पीएससी के लेवल पर होता है और एक पीएससी एस सब सेंटर को देखती है हमने ये बात देख ली थी एक पी कितने सब सेंटर को देख रही है तो छः सब सेंटर को बताया था कि नहीं बताया था अरे ये बात तो हमने कर ली थी ठीक है तो याद रखिएगा हेल्थ असिस्टेंट होता है ये क्या है सर ये सेकेंडरी लेवल पर होता है किस पे होता है अरे सेकेंडरी लेवल पर होता है किस पे होता है ये सेकेंडरी लेवल पर ये आपके सेकेंडरी लेवल पर होता है ठीक है तो याद रखना है आप सभी को कि हेल्थ असिस्टेंट होता है ये रूट लेवल पर नहीं आता है सर, ठीक है? ग्रोस रूट लेवल का मतलब सीधा सा जमीन से जुड़ा हुआ ठीक है तो याद क्या रखना है आपको कि हेल्थ जो असिस्टेंट होता है ये ग्रोस रूट लेवल पर नहीं आता है यहाँ पे एक्सेप्ट का सवाल पूछा है एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद जवाब देना है सर ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एमसीक्यू देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन सब सेंटर सब सेंटर पर कौन सा पर्सन प्रेजेंट होता है सब सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे तो हमको पता है ये टोटली हंड्रेड परसेंट याद रखिएगा सेंट्रल बॉडी होती है सेंट्रल बॉडी रेगुलाइज करती है ठीक है अरे भाई सेंट्रल बॉडी रेगुलाइज करती है कहने का मतलब है सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आता है क्या आपका सब सेंटर याद रखिएगा एमसीक्यूस पूछा हुआ है सब सेंटर है ये हंड्रेड परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो सेंट्रल बॉडी इसको रेगुलाइज करती है ठीक है रेगुलाइज करती है हंड्रेड परसेंट ठीक है इसके बाद सब सेंटर की बात करें तो पांच हजार की जो पॉपुलेशन होती है ये प्लेन एरिया के लिए और तीन हजार की जो पॉपुलेशन होती है ये हिली एरिया के लिए क्या होती है हिली एरिया के अंदर होती है हिली एरिया कौन सा होता है अरे पहाड़ी इलाका होता है उत्तराखंड की वादियां देखिए पहाड़ी इलाके होते हैं ना जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है ठीक है तो उस वहां पे तीन हजार की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है पांच हजार पे प्लेन एरिया पे क्या होता है एक होता है ठीक है और मैं सब सेंटर की बात बता दू आपको ठीक है तो याद रखिएगा एक जो सब सेंटर होता है एक सब सेंटर के अंदर चार विलेज आते हैं चार विलेज अरे चार गांवों को कवर करता है एक सब सेंटर कितने गांवों को कवर करता है चार गांवों को कवर करता है ठीक है याद रखिएगा इसी के बाद आपके सब सेंटर की बात कर रहे हैं तो सब सेंटर पर कौन सा वर्कर प्रेजेंट नहीं होगा अरे मल्टीपल सॉरी कौन सा प्रेजेंट होगा मल्टीपल पर हेल्थ वर्कर होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन होगा हेल्थ एजुकेटर होगा या मेडिकल ऑफिसर होगा अरे भाई हमने देखा था कि मेडिकल ऑफिसर पीएससी पर अवेलेबल होता है सब सेंटर पर अवेलेबल नहीं होता है हेल्थ एजुकेटर भी आपके पीएससी सी एस पर अवेलेबल होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी पी एस पर अवेलेबल कहने का मतलब है मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर होता है ठीक है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है सर ये सब सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है क्या होता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ठीक है सब सेंटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी बच्चे ठीक है सब सेंटर की बात कर लेते हैं तो सब सेंटर के याद रखिएगा सब सेंटर दो प्रकार का होता है ठीक है अरे कितने प्रकार का होता है सब सेंटर दो प्रकार का होता है सब सेंटर टाइप ए सब सेंटर टाइप ए और सब सेंटर टाइप बी ठीक है ए और बी दो प्रकार के होते हैं किस बेसिस पे डिवाइडेड करते हैं तो याद रखिएगा सब सेंटर टाइप ए के अंदर ऑल इसेंशियल अरे भाई ऑल इसेंशियल सारी जरूरत के ऑल इसेंशियल केयर प्रोवाइड की जाती है बट लेकिन डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है ठीक है याद रखना है सभी को डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है बट डिलीवरी नॉट कंडक्ट इसके अंदर डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवाई जाती है ठीक है याद रखना है इसके अंदर क्या होता है ऑल इसेंशियल केयर अरे इसके अंदर क्या होता है भाई ऑल इसेंशियल केयर तो क्या होती है प्रोवाइड होती है एंड डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है ठीक है इसके अंदर डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है ठीक है याद रखना है आप सभी को और बात आती है कि सब सेंटर पर कितने हेल्थ वर्कर काम करते हैं कितने करते हैं सर कितने करते हैं सब सेंटर पर हेल्थ वर्कर काम कितने वर्कर होते हैं स्टाफ कितना होता है तीन होता है सर कितना होता है तीन तो याद रखिएगा इसके अंदर मेल हेल्थ वर्कर आएगा एक फीमेल हेल्थ वर्कर एक एक आता है सफाई कर्मचारी तीन होते हैं, ठीक है इसी के साथ यहाँ पे स्टाफ की बात करें तो टोटल स्टाफ होता है चार कितना होता है? चार होता है याद रखना मेल हेल्थ वर्कर, ये होता है, एक। एक होता है फीमेल हेल्थ वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर कितनी होती है दो होती है इसके अंदर क्योंकि डिलीवरी कंडक्ट करवानी होती है सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी कितना होता है एक होता है इसलिए यहाँ पे टोटल स्टाफ होता है चार और यहाँ पे टोटल स्टाफ कितना होता है तीन होता है ठीक है सब सेंटर की याद रखिएगा अगर एम पूछता है कि कौन से टाइप के सब सेंटर पर डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है बता देना सब सेंटर टाइप बी पर डिलीवरी कंडक्ट होती है इसी के बाद एक और चीज आप सभी को जो याद रखनी है इसके अंदर जो बेड होता है टाइप ए के अंदर वो जीरो होता है इसके अंदर टाइप ए सब सेंटर के अंदर एक भी बेड अवेलेबल नहीं होता है ठीक है और टाइप बी के अंदर बेड की जो संख्या होती है वो एक होती है सर कितनी होती है एक एक बेड अवेलेबल होता है सर ठीक है ये सब सब की टाइप की बात कर कर ली है है? है? है हमने, याद रखिएगा को कौन कौन रहा है, तो 100 के के द्वारा होने वाला सेंटर कौन है? सब सेंटर. क्लियर है भाई सभी का सब सेंटर के बारे में? देख लिया सभी ने सब सेंटर के बारे में हमने सारी बात कर दी पांच हजार पे प्लेन एरिया तीन हजार पे हिली एरिया एक सब सेंटर चार विलेज को कवर करता है, इसी के बाद जो आप सभी को याद रखना है क्या याद रखना है जो आशा वर्कर होती है अरे एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है ये सपोर्टिव स्टाफ के रूप में काम करती है यहाँ पे कहा पे सपोर्टिव स्टाफ के रूप में कहां पे वर्क करेगी सपोर्टिव स्टाफ के रूप में तो ये करती है सब सेंटर पर कहां पर करती है सब सेंटर पर सपोर्टिव स्टाफ के रूप में काम करती है क्लियर है भाई क्लियर है सभी का याद रखिएगा ये सारी चीजें दिस इज द सब सेंटर पूरी चीज बता दी है खोल खोल के याद रखिएगा टाइप ए फर्स्ट टाइप सेकंड ए के अंदर सभी इसेंशियल चीजें हो रही है लेकिन डिलीवरी कंडक्ट नहीं हो रही है बी के अंदर सभी चीजें ऐसे ऑल इस इसेंशियल केयर प्रोवाइड हो रही है साथ ही में डिलीवरी कंडक्ट भी करवाई जा रही है ठीक है टोटल स्टाफ चार होते हैं कहाँ पे सब सेंटर टाइप बी पे वैसे कितने होते हैं तीन होते हैं मेल हेल्थ वर्कर होता है फीमेल हेल्थ वर्कर होता है एक सफाई कर्मचारी होता है ठीक है तो याद रखना है भाई चलिए तो हमारा एमसीक्यूज था कि आ, कौन सा पर्सन प्रेजेंट होता है तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर प्रेजेंट होता है कौन होता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर लेबोरेटरी टेक्नीशियन मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ एजुकेटर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं ये सेकेंडरी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं किसपे प्रेजेंट होते हैं दिस इज द सेकेंडरी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्लियर है सभी का सब सेंटर के बारे में एमसीक्यूज पूछा जाता है सर तो गलत नहीं करना है क्लियर चलिए आगे बढ़िए अगला देखिएगा आशा वर्कर वर्क्स एट कौन से लेवल पर आशा वर्क करती है बताइए कम्युनिटी लेवल पर विलेज लेवल पर या पीएससी लेवल पर आशा कौन से टाइप पे वर्क करेगी बताइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रही है कम्युनिटी पे कर रही है विलेज पे कर रही है या पीएससी पर कर रही है बताइए कौन से लेवल पर करती है वर्क अरे कम्युनिटी कौन लिख रहा है भाई आशा वर्क करती है विलेज लेवल पर किस पे वर्क करती है विलेज लेवल पर करती है कि नहीं करती है आशा की बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है क्या होती है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है पहली चीज तो ये याद रख लीजिएगा ठीक है एक हजार पॉपुलेशन को कवर करती है एक हजार पॉपुलेशन को कवर करने का काम कौन करेगी तो आशा करती है आपकी कौन करती है भाई आशा करती है एक हजार पॉपुलेशन पे कवर करने का काम करेगी कौन दिस इज द आशा ठीक है इसी के साथ याद रखिएगा एट्थ पास महिला होती है ये इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एट्थ पास होनी चाहिए आठवीं पास महिला होनी चाहिए आशा बनने के लिए आठवीं पास जरूरत होती है ठीक है इसी के साथ लोकली रेजिडेंस होना चाहिए भाई जिस गांव की आशा जिस गांव के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है वहीं की आशा होनी चाहिए लोकली होनी चाहिए लोकली रेजिडेंशियल लोकली रेजिडेंशियल होनी चाहिए और याद रखिएगा एक और चीज क्या कि बोले विलेज के जो पॉपुलेशन होती है उसको एक्सेप्टेड होनी चाहिए कहने का मतलब गांव के लोग उसको एक्सेप्ट करें ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके बैठी है सर ठीक है और कौन कौन सी तो विडो जो विधवा होती है विधवा महिलाएं हैं वो बन सकती है आशा इसी के लिए डाइवोर्सियल जो महिलाएं होती है जिनका डाइवोर्स हो गया है वो बन सकती है ठीक है इसी के साथ जो मैरिड जो मैरिड जो महिलाएं होती है वो भी बन सकती है ठीक है आशा बनने के लिए इसी के साथ आशा से रिलेटेड एक एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि कितने दिन की ट्रेनिंग होती है तो याद रखना है ट्वेंटी थ्री अरे भाई तेईस दिन की ट्रेनिंग होती है आशा की कितने दिन की तेईस दिन की ट्रेनिंग होती है आशा की कहां पे होती है सब सेंटर पर कहां पे होती है सब सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र पर सब सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र पर कहा क्या होती है आशा की ट्रेनिंग होती है ठीक है लिख लेना सभी बच्चे नोट्स में ठीक है आशा से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूं मैं कि आशा को फुल फॉर्म क्या होता है हेल्थ हजार पॉपुलेशन पे होती है एट्थ पास होनी चाहिए लोकली रेजिडेंशियल होनी चाहिए वहीं पे रहनी चाहिए ठीक है कहने का मतलब है जिस गांव के अंदर पोस्टिंग है वहीं की होनी चाहिए लोकली इसी के बाद विडो आशा मतलब कहने का मतलब है क्वालिफिकेशन तो जो विधवा महिलाएं होती है बिल्कुल आशा बन सकती है शियल जो महिलाएं होती है जिनका तलाक हो चुका है डायवोर्स हो चुका है वो कर बन सकती है इसी के साथ जो मैरिड शादीशुदा महिलाएं होती है वो भी आशा बन सकती है ठीक है और बात कर लेते हैं कि तेवीस दिन की ट्रेनिंग होती है सर आशा की सब सेंटर पर और आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बात और बता देता हूं मैं आप सभी को कि आशा होती है वो एनआरएचएम के अंडर में आती है लिख लेना ठीक है ये एनआरएचएम के अंडर में आई थी कब आई थी सर ये तो 2005 के अंदर ठीक है एनआरएचएम के अंडर में आती है दो के अंदर और आंगनबाड़ी वर्कर होती है वो किसके अंडर में आती है तो वो आती है आपके सीधा सा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किसके अंदर आएगी भाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर ठीक है क्लियर तो एक जो आशा होती है ये विलेज लेवल पर वर्क करती है सर किस पे वर्क करेगी विलेज लेवल पर वर्क करती है क्लियर है भाई सभी का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है छोटे छोटे एमसीक्यूज ही उठते हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज डायरेक्ट उठते हैं पॉइंट आउट करना है ठीक है तो याद रखना है सभी को चलिए आगे बढ़िए अगला एमसीक्यूज देखिए द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा आर ऑल एक्सेप्ट भाई एक्सेप्टिबिलिटी आशा की सारी है किसी एक को छोड़कर कौन सी वाली नहीं होगी प्रिपरेशन ऑफ विलेज हेल्थ प्लान प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट काउंसलिंग वुमेन फॉर वेल्थ प्रिपेरस बताइए सर एक्सेप्ट का सवाल पूछा है तो डी बी है सही है सी बी सही है ये दोनों काम तो आशा करती है अब बताइए विलेज हेल्थ प्लान को प्रिपेयर करेगी या प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट कमेंट करके जब फटाफट से जवाब दे दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा भाई आप सभी का चलिए भाई क्या होना चाहिए राइट आंसर बताइए अरे भाई राइट right आंसर होगा वेरी गुड बच्चे ए और बी के अंदर कंफ्यूजन है लेकिन राइट right आंसर होगा विलेज हेल्थ प्लान बनाने का काम आशा का नहीं होता है ठीक है याद रखिएगा जो प्रमोट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट कहने का मतलब है एजुकेशन करेगी कि आप लोटा लेके खेत में नहीं जाना होता है सर घर पे ही टॉयलेट बनवाइए आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे कहते हैं ठीक है कहने का मतलब है हेल्थ प्रमोट का मतलब है ये क्या कर रही है हेल्थ एजुकेशन दे रही है क्या कर रही है हेल्थ एजुकेशन दे रही है कि आप घर के अंदर ही क्या करवाइए कंस्ट्रक्शन के थ्रू हाउस होल्ड टॉयलेट टॉयलेट बनवाइए सर ठीक है हाँ शौचालय बनवाइए घर के अंदर ठीक है और प्रिपेशन ऑफ विलेज हेल्थ प्लान तो विलेज के हेल्थ प्लान का प्रिपेशन करना आशा का वर्क नहीं होता वो हाई लेवल पर होता है ठीक है जबकि मैंने बता दिया है कि आशा है आंगनबाड़ी केंद्र है आशा है आंगनबाड़ी सेंटर है ये क्या करती है सर तो याद रखिएगा ये ग्रोस रूट लेवल कहने का मतलब जमीनी स्तर पर अरे लो लेवल पर वर्क करती है सर ठीक है क्लियर है सभी का तो क्या नहीं करेगी प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ प्लान ये आशा का काम नहीं है सर ठीक है इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया राइट आंसर हो गया विलेज हेल्थ प्लान आता है नेक्स्ट प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट करती है बिल्कुल प्राइमरी एलिमेंट्स अरे प्राइमरी मेडिकल केयर करती है सर ठीक है अडोल्सेंट जो गर्ल्स होती है ठीक है उनको क्या करती है सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराती है कराती है ना बिल्कुल आशा बिल्कुल कराती है आंगनबाड़ी केंद्र पर निशुल्क प्राप्त होते हैं ठीक है थीके? याद रखिएगा ये सारी चीजें काउंसलिंग वुमन फॉर बर्थ प्रिपेयरनेस और काउंसलिंग भी करती है सर ठीक है इसी के साथ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताती है ठीक है जो तेईस दिन की ट्रेनिंग होती है आशा की उनके अंदर आशा को ट्रेंड किया जाता है हर चीज से रिगार्डिंग ठीक है क्या किया जाता है हर चीज से रिगार्डिंग क्या किया जाता है ट्रेंड किया जाता है ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एमसीक्यू देखिए कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जन्म और मरण कहने का मतलब है जन्म लेना और मृत्यु दोनों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है डॉट्स वर्कर की ए एन एम एम एच डब्ल्यू या आंगनबाड़ी वर्कर बताइए सर शानदार चीज बोलिए बताइए बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है रिकॉर्ड करने की बताइए सर किसकी होती है भाई वेरी गुड तो राइट right आंसर क्या होगा सर राइट right आंसर होगा एएनएम जो आपके एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्री ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्री ठीक है जो ए एन एम होती है या फिर एएनएम या तो ए एन एम करेगी या फिर एक आती है हेल्थ वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर फीमेल होती है यही ये करेंगे ठीक है याद रखिएगा बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेशन कौन कर रिस्पांसिबिलिटी होती है तो एएनएम करती है ठीक है ये डॉट्स वर्कर तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम में लिया जाता है ठीक है किसके लिए ट्यूबरक्लोसिस एमएचडब्ल्यू क्या है मेल हेल्थ वर्कर होते हैं क्या होते हैं मेल हेल्थ वर्कर और रही बात आंगनवाड़ी वर्कर की आंगनवाड़ी वर्कर आईसीडीएस के अंदर में आती है ये याद रखिएगा किसके अंदर में आईसीडीएस के अंडर में 1975 के अंदर आई थी आंगनबाड़ी वर्कर आईसीडीएस के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर 1975 के अंदर आ गई थी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें ठीक है तो दिस इज द आंगनबाड़ी वर्कर क्लियर राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला एमसी देखिए ऑल आर ट्रू अबाउट आंगनबाड़ी वर्कर एक्सेप्ट सभी बातें आंगनबाड़ी वर्कर के लिए सत्य है किसी एक बात को छोड़कर कौन सी नहीं होगी एक्सेप्ट का सवाल पूछा है। पार्ट टाइम वर्कर कवर पॉपुलेशन ऑफ फाइव तो मैंने आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में आपको बताया है आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में मैंने बताया है, एक हजार पॉपुलेशन पे वर्क करती है किस पे वर्क करती है एक हजार पॉपुलेशन पे करती है आईसीडीएस के अंडर आती है बताया है कि नहीं बताया है तो देखिए आईसीडीएस के अंडर आ रही है इसी के साथ एक हजार पॉपुलेशन पे वर्क करती है लेकिन कवर पॉपुलेशन पांच हजार हो रहा है तो इसीलिए राइट आंसर हो गया बी ठीक है पार्ट टाइम वर्कर भी करती है और सप्लाई भी करती है न्यूट्रिशन और एजुकेशन भी दे रही है सर ठीक है एजुकेशन भी देती है देती है कि नहीं देती है अरे हेल्थ एजुकेट करती है ना हेल्थ एजुकेट अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उसके रिगार्डिंग एजुकेट कर रही है ठीक है इसी के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी बताती है कॉन्ट्राशेक्शन भी प्रोवाइड कराती है सप्लाई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी सप्लाइड करती है करती है कि नहीं करती है एक आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा कितना सप्लाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है लिख लीजिए बच्चों को चिल्ड्रंस को कितना दे रही है एक आंगनबाड़ी वर्कर तो तीन किलो कैलोरी यहां पे लिख लीजिए आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा कितना क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा तो याद रखना सबसे पहले आता है चिल्ड्रन चिल्ड्रन के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर है ये कैलोरी कैलोरी कितनी प्रोवाइड करा रही है तो 300 किलो कैलोरी पर डे ये आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा के प्रोवाइड कराई जाती है बात करते हैं प्रोटीन के बारे में प्रोटीन के बारे में तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पर डे ये आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है एक आता है सीवियर माल न्यूट्रिशन एक क्या आता है अरे भाई ये तो हो गया नॉर्मल चाइल्ड एक आता है जो माल नरिश्ड चाइल्ड होता है कुपोषण के शिकार ठीक है सीवियर माल न्यूट्रिशन जो सीवियर माल न्यूट्रिशन के बच्चे होते हैं उनको कितना प्रोवाइड कराएगी तो याद रखिएगा उनको कैलोरी तो प्रोवाइड कराती है कितनी 600 किलो कैलोरी पर डे 600 किलो कैलोरी पर डे प्रोवाइड कराती है प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन कितना प्रोवाइड कराएगी अरे जस्ट डबल हो जाता है सर 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पर डे ठीक है तो ये याद रखिएगा एंड चिल्ड्रीवियल माल न्यूट्रिशन उसके बाद बात करते हैं सर प्रेग्नेंट महिला को कितना प्रोवाइड कराती है ठीक है तो प्रेग्नेंट महिला का लिख लेना कि प्रेग्नेंट वुमन को भी तो प्रोवाइड करा रही है प्रेग्नेंट वुमन प्रेग्नेंट वुमन को कितना कितना प्रोवाइड करा रही है ठीक है तो सभी याद रखिएगा प्रेग्नेंट महिला को पांच किलो कैलोरी पांच किलो कैलोरी पर डे दे रही है इसी के साथ पंद्रह ग्राम प्रोटीन पर डे देती है पंद्रह ग्राम प्रोटीन पर डे देती है ठीक है ये आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है ठीक है प्रोवाइड न्यूट्रिशन ठीक है सिर्फ आंगनबाड़ी वर्कर एक आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्रोवाइड क्या कराया जाता है बच्चे को कराती है 300 किलो कैलोरी पर डे और प्रोटीन करवा रही है आठ से दस ग्राम पर डे ठीक है उसके बाद बात करते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन का बच्चा है तो कैलोरी प्रोवाइड हो रही है 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन प्रोवाइड हो रहा है 80 से 20 ग्राम पर डे ठीक है एक आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है ठीक है और प्रेग्नेंट जो मदर होती है ठीक है गर्भवती महिलाएं ठीक है उनके लिए पाँच किलो कैलोरी पर डे प्रोवाइड कराया जाए पंद्रह ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोवाइड कराया जाता है प्रेगनेंट महिलाओं को ठीक है किसके द्वारा तो दिस इज द आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है भाई ये आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है ठीक है एक एक चीज पॉइंट आउट करनी है आप सभी को लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है ठीक है हमसे पूछा है यहाँ पे सभी सत्य है किसी एक को छोड़कर पार्ट टाइम वर्क करती है ये बिल्कुल करती है कवर नहीं करती है पांच हजार को इसलिए राइट आंसर क्या हो गया अपना बीस द राइट आंसर हो गया उसके बाद सप्लाई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का सप्लीकेशन देख लिया हमने कि क्या क्या प्रोवाइड कर रही है ठीक है उसके बाद एजुकेट कर रही है एजुकेट करती है या नहीं करती है बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एजुकेट करती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड एजुकेट करती है ठीक है अरे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताती है कि कॉन्ट्रासेप्शन ले लीजिए सर ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं किसके अंडर कंट्रोल आई तो बिल्कुल हमको पता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नाइनटीन को आया था कब आई थी 1975 याद रखना है आईसीडीएस 1975 तो आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है ये आईसीडीएस के, के अंदर इंक्लूड हो गई थी ठीक है ये चीज याद रखिएगा आईसीडीएस की अगर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो बता देना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है क्या होता है दिस इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्लियर है सभी का तो ये चीजें याद रखनी है आप सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एमसीक्यूज देखते हैं सर क्या कह रहा है द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वाज डिक्लेयर्ड बाय भाई सही बताइए हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD है ये टारगेट किसने डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ ने किया है यूनिसेफ ने रेड क्रॉस सोसाइटी या टीएनएआई अरे बताइए किसने डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ की बात करें इसको बोलते हैं सर डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कब स्थापना हुई थी तो सात अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी किसकी की ठीक है डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ होता है तो यह है जिनेवा के अंदर कहाँ है जिनेवा में उसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ यूनिसेफ को फुल फॉर्म क्या होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी का जनक कौन होता है तो हेनरी डून बता के आना है हेनरी डूनट रेड क्रॉस सोसाइटी का जनक कौन होता है हेनरी रेड क्रॉस सोसाइटी एक आती है इंडियन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जनक का क्या नाम है सॉरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये कब लॉन्च हुई थी तो ये याद रखिएगा 1920 के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो दिल्ली के अंदर है कहाँ है सर अरे दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन होता है याद रख लीजिएगा जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसका जो चेयरमैन इसका चेयरमैन कौन होता है तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति इसका चेयरमैन होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन होता है भारत का राष्ट्रपति ठीक है याद रखना है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 के अंदर आई थी कब आई थी 1920 के अंदर ठीक है और टीएनआई टीएनआई की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ट्रेंड नाथ एसोसिएशन अच्छा ठीक है चलिए तो याद रखिएगा दिस इज द राइट आंसर क्या रहेगा बताइए हेल्थ फॉर ऑल 2000 किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था भाई ये सारी चीजें याद कर लेना है ठीक है हाँ सब कुछ बता दिया है ठीक है याद करना है सभी को ठीक है भाई हाँ तो ये याद रखना है सभी को कि ये डब्ल्यू एच ओ के द्वारा दिया गया था ए इज द राइट आंसर कब दे दिया था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 तो ये उन्नीस सौ सतहत्तर द्वारा 1977 सतहत्तर में बता दिया गया कि हेल्थ उल, हेल्थ फॉर ऑल सभी के लिए 2000 तक हमको हेल्थ क्या करवानी है प्रोवाइड करवानी है सभी को हेल्थ केयर ठीक है तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको ठीक है डब्ल्यू एच ओ यूनिसेफ रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में डायरेक्ट पूछता है रेड क्रॉस सोसाइटी के जनक का क्या नाम है बता देना हेनरी है, डुनांट है क्या है दिस इज द हेनरी डूनान्ड इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी वेरी गुड क्लियर है सभी का याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एमसीऑल फॉलोविंग आर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी के सभी प्रिंसिपल है किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट का सवाल आया बताइए एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंटरसेक्टोरियल coordination बताइए सर आपके अकॉर्डिंग इसका राइट right आंसर क्या होगा बताइए अरे नाम में ही आ रहा है सर इसके अंदर तो नाम में ही आ रहा है सर पीएससी की बात कर रहे हैं ठीक है किसकी बात कर रहे हैं हम पीएससी पीएससी की बात कर रहे हैं इसके अंदर प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी लेवल पर सारे काम होते हैं प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी लेवल पर वर्क करता है इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर आती ही नहीं है अरे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आएगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है समान ठीक है इसी के बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं सर ठीक है वो एक आता है इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन क्या होता है इंटरसेक्टोरियल का मतलब सीधा सा होता है कि जो सोसाइटीज के जो लोग होते हैं वो अपने आप में क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन बैठा के क्या करते हैं आराम से वर्क करवाते हैं किससे पी से ठीक है इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं होती अरे पी के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है क्या नहीं होती है रेफरल सिस्टम के अंदर क्या होता है रेफरल जो आपका सिस्टम होता है रेफरल चेन होती है रेफरल चेन सुना है आपने देखा होगा सब सेंटर सब सेंटर से पीएससी, पीएससी से सीएससी, सीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ठीक है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये क्या होती है रेफरल चेन होती है अगर एक बात बताइए अगर पीएससी पर ही एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसे सीएससी पर ट्रांसफर क्यों करेंगे नहीं करेंगे ना नहीं करेंगे वही चीज आती है अगर पीएससी पर ही सभी चीज अवेलेबल है तो ट्रांसफर फिर सीएससी पर क्यों करना सीएससी को क्या बोलते हैं सीएससी को बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं फर्स्ट यूनिट बोलते हैं तो यही चीजें सारी चीजें आती है सब सेंटर पी एस सी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्लियर है इसलिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है वो पीएससी पर अवेलेबल नहीं होती है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िए अगला देखिए वन ऑफ द हेल्थ नॉट अवेलेबल इन रूरल हेल्थ यूनिट भाई कौन सी ऐसी हेल्थ सर्विस है जो रूरल हेल्थ यूनिट के अंदर अवेलेबल नहीं होती नॉट का सवाल दिया है कौन सी हेल्थ सर्विस रूरल वाले इलाके के अंदर प्रेजेंट नहीं होती मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल वर्क एनवायरमेंटल सैनिटेशन वर्क कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी बताइए सर यहाँ पे सीधा सा पूछा है रूरल यूनिट के अंदर यू, रूरल हेल्थ यूनिट के अंदर कौन कौन सी ऐसी है कौन सी एक है जो अवेलेबल नहीं होगी जो मतलब जो सर्विस नहीं देते हैं तो हमको पता है रूरल पे आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर तो देते हैं अरे देते हैं कि नहीं देते हैं बिल्कुल देते हैं सर एक आता है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल वर्क इसके लिए तो हम इम्यूनाइजेशन कर ही रहे हैं अरे वैक्सीनेशन करते हैं ना इसके लिए तो बिल्कुल ये तो रूरल के अंदर हो ही रहा है एक आता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन वर्क बिल्कुल हो रहा है लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है इसके अंदर आता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और जो कि रूरल एरिया के अंदर पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको दिखाने के इसको ट्रीट करने के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही जाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है अरे ये बात तो सही है ना कि कैंसर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी रूरल एरिया के अंदर नहीं होती तभी तो लोग दिल्ली बॉम्बे पता नहीं कहां-कहां जाते हैं सर कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्यों अगर रूरल के अंदर ही हो तो वहीं पे करवा लो लेकिन वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे सीधा सा कंफ्यूज नहीं होना है नोट का सवाल पूछा है कि कौन सी नहीं होती है ठीक है सीधा सा नोट का सवाल पूछा है कि कौन सी नहीं होती है तो याद रखिएगा दिस इज द डी कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी द राइट आंसर क्या राइट आंसर होगा कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्लियर है सभी का चलिए आगे बढ़िए अगला देखिएगा विच वन ऑफ दूनिशन यूनिट कौन सी होगी किसके लिए तहसील के लिए तालुका के लिए जिसको ब्लॉक बोलते हैं ठीक है पॉपुलेशन के लिए बताइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिविजन सब डिविजन कम्युनिटी सेंटर या रूरल हॉस्पिटल बताइए भाई फर्स्ट रेफरल यूनिट तहसील और तालुका ब्लॉक के लिए कौन सी होगी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर रहने वाला है कम्युनिटी सेंटर अरे जो सीएससी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यही फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है सर बताया है ना भाई मैंने कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है तो ये रहने वाली है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहने वाली है बताया है या नहीं बताया है आगे बढ़िए अगला एमसीक्यूज देखिए द एफ आर यू गाइडलाइन फर्स्ट रेफरल यूनिट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की गाइडलाइन के हिसाब से रहने वाली है कौन सी आपकी तो ये भी वही रहेगा ए इज़ द राइट आंसर सी एस सी रहेगा ठीक है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सी ए सी एस सी सी एस सी की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एक लाख बीस हजार जो पॉपुलेशन है ये तो प्लेन एरिया के अंदर आती है एक आता है फिर ये तो प्लेन एरिया के अंदर आती है एक आता है आपका अस्सी हजार ये आती है रूरल एरिया के अंदर किसके अंदर आती है रूरल एरिया के अंदर आती है याद रखिएगा सीएससी के अंदर टोटल स्टाफ कितना होता है टोटल स्टाफ की बात करें तो होता है ट्वेंटी फाइव के समथिंग अप्रोक्स ठीक है अगर लेकिन इसके अंदर एनेस्थिसिया है ओपथेलमोलॉजिस्ट है ठीक है डेंटिशियन है डेंटिशियन होते हैं ठीक है ये सब एडवांस लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं ठीक है इसको इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है तो वैसे तो स्टाफ फिर 35 से 50 हो जाता है ठीक है पैंतीस से पचास भी हो जाता है लेकिन अगर मेजर आप डिपा स्टाफ की बात करते हैं तो ट्वेंटी होता है याद रखिएगा ठीक है इसी के साथ इसके अंदर सी सी के अंदर बेड की संख्या कितनी होती है बेड कितने होते हैं तो याद रखिएगा पैंतीस से पचास बेड के समथिंग होते हैं किसी किसी में पैंतीस भी होता है किसी किसी में पचास भी होता है ठीक है तो ये सारी चीजें याद रखनी है दिस इज दी एस सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्लियर है और सी एस सी के अंदर क्या होता है चार सर्जन मतलब चार मेडिकल ऑफिसर की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है ठीक है ये भी लिख लेना फोर मेडिकल ऑफिसर एम ओ होता है इसके अंदर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं तो सर्जन फिजिशियन सर्जन फिजिशियन एक आता है आपके गायनोकोलॉजिस्ट एक आता है आपके पीडियट्रिशियन पीडियट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट फिजिशियन सर्जन ये चार मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं ठीक है एक सीएससी पर याद रखिएगा क्लियर है सीएससी की पॉपुलेशन भी याद रखना है 125 वो एक लाख बीस हजार प्लेन एरिया अस्सी हजार रूरल एरिया ठीक है इसी के साथ एक सीएससी होती है वो चार पीएससी को कवर करती है एक सी होती है वो बराबर चार पी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कवर करने का काम करती है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है सर ठीक है आज हमने प्राइमरी लेवल पे सबको डील कर रहे हैं सारे एम उसी लेवल पे लेके आया हूं मैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सी सी जो भी रेफरल यूनिट है आंगनबाड़ी केंद्र आशा वर्कर ये सब कुछ डील कर लिया है ठीक है पर्टिकुलर बता दिया है एक एक तो याद रखना है चलिए आगे बढ़िए द पॉपुलेशन सर्व बाय द सब सेंटर इन प्लेन एरिया चलिए सर बताया है मैंने सब सेंटर प्लेन एरिया पे कितना वर्क करता है अरे भाई प्रीवियस अभी क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया है ना सब सेंटर प्लेन एरिया पर कितना वर्क करता है बताया है सर ठीक है विद एक्सप्लेन करके बताया है ये रखा ये लिख रखा देखिए बताया था ये आया था जबकि पांच हजार पॉपुलेशन पे तो प्लेन एरिया पे करेगा और तीन हजार पॉपुलेशन पे हिली एरिया में करेगा बताया है ठीक है चलिए तो उसी अकॉर्डिंग ये एमसीक्यू पूछा है कि सब सेंटर प्लेन एरिया पर कितना वर्क करता है चलिए तो प्लेन एरिया पर वर्क की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर होगा आपका क्योंकि प्लेन एरिया पर वर्क करता है प्लेन एरिया पर वर्क करता है हजार पॉपुलेशन पर एक कौन होती है हजार पॉपुलेशन पर आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर आंगनवाड़ी होती है ठीक है आशा होती है हजार पे ठीक है ये याद रखिएगा और एक आता है क्या सर अरे एक आता है आपके तीस हजार क्या आता है सर तीस हजार आता है इस पे याद रखिएगा पीएससी पर प्लेन एरिया पीएससी प्लेन एरिया पर कवर करती है तीस हजार अस्सी हजार आता है तो सीएससी होती है सीएससी होती है आपके हिली एरिया सीएससी का जो हिली एरिया होता है वो आठ अस्सी हजार कवर करता है ठीक है बताया हुआ है ना एक लाख बीस हजार से अस्सी हजार कौन कर रहा है तो कौन कर रहा है दिस इज दी एस सी ठीक है क्लियर एक एक का बता दिया तीस हजार की पॉपुलेशन कौन, कौन कवर करता है तो पी एस सी का प्लेन एरिया और पी एस सी का ट्राइबल एरिया मतलब हिली एरिया बीस हजार याद रखिएगा ठीक है पॉपुलेशन की पूछी जाती है राइट आंसर यहाँ पे आपसे पूछा क्या है सब सेंटर का पूछा है इसलिए हमने बता दिया कि पाँच हजार पर प्लेन एरिया पर कवर करता है ठीक है इसी के साथ तीन हजार पॉपुलेशन पर हिली एरिया के अंदर भी कवर करता है ठीक है ये भी लिख लेना भाई ठीक है वैसे तो बताया हुआ है पर तीन हजार पर पॉपुलेशन पर हिली एरिया हिली का मतलब पहाड़ी इलाका ठीक है चलिए आगे बढ़िए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है हैज क्या इसके अंदर सौ बेड होते हैं एक सीएससी के अंदर सौ बेड होते हैं क्या भाई कवर ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सिमेटली एक लाख एक लाख की पॉपुलेशन लगभग एक लाख की पॉपुलेशन पे क्या करता है अफेक्ट एक्सरे एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज क्या सी एस सी पर एक्सरे और लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती है एक्ट एज ए रेफरल हॉस्पिटल फॉर द कम्युनिटी ब्लॉक बताइए सर आंसर पुट कीजिए इसके इसके अंदर अंदर के क्या होगा इसके अंदर आपको एक दो आंसर दो तीन आंसर सही लगेंगे तो आपको बताने क्या करेगा देखिए राइट आंसर वैसे आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए तो राइट right आंसर वैसे आपका सीधा सा पता है कि कवर पॉपुलेशन कर रहा है एक लाख को ठीक है अरे भाई पॉपुलेशन को तो कवर कर रहा है एक लाख को क्या कर रहा है एक लाख पॉपुलेशन को कवर करने का काम कर रहा है ठीक है हमने पॉपुलेशन देख ली है कि एक लाख बीस हजार और इसने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली दिया है अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग लगभग कितना होगा ठीक है अंदाजन ऊपर नीचे हो सकता है लगभग की बात कर रहा है ठीक है तो दिस इज इज द द बी राइट आंसर होगा आप सभी का चलिए आगे बढ़िए प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर कर रहा है पचास हजार कर रहा है नहीं करता है तीस हजार कर रहा है दस हजार नहीं करता है पांच हजार भी नहीं करता है वेरी गुड तीस हजार पॉपुलेशन प्लेन एरिया बताया है बीस हजार पॉपुलेशन एरिया ये ऐसे-ऐसे आते हैं हैं सर ठीक सीधे सीधे सी है सीधे-सीधे से पूछते कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर चौदह अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट सात अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट सात अप्रैल नाइनटीन फोर्टी फाइव या सात अप्रैल तो याद रखिएगा डब्लू एच ओ के बारे में सात अप्रैल डब्ल्यू एच ओ कब हुआ था सर सात अप्रैल 1948 को अप्रैल को हम हेल्थ डे भी मनाते हैं मनाते हैं ना नहीं मनाते हैं बिल्कुल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं सेवन अप्रैल को करते हैं इसीलिए याद रखिएगा डब्ल्यू एच ओ कब एस्टेब्लिश हुआ था सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस नाइनटीन फोर्टी एट याद रखिएगा ठीक है ये सारे एम सी क्यूज प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं आप लोगों के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला एमसीक्यूज देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन बताइए सर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है चौदह चौदह फरवरी को किया जाता है आठ मार्च अट्ठारह मार्च या पांच अगस्त तो सबको पता है कि आठ मार्च के दिन क्या पता है सभी को आठ मार्च के दिन हम महिला दिवस महिला दिवस महिला दिवस घोषित करते हैं ठीक है महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और एक और बात याद रखिएगा इस दिन अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग घोषणाएं होती है जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रोडवेज बसे जो गवर्नमेंट की जो रोडवेज बस चलती है ठीक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है महिलाओं के लिए कोई टिकट का पैसा नहीं लिया जाता ठीक है तो बिल्कुल वो हर जगह भ्रमण कर सकती है महिला दिवस के दिन फ्री में रोडवेज के अंदर ठीक है तो याद रखिएगा जैसे दिल्ली के अंदर डी की जो बसे होती है ठीक है उनके अंदर महिलाओं का फ्री है ठीक है तो वैसे ही राजस्थान के अंदर महिला दिवस के अंदर ही रोडवेज की जो बसें होती है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकती है महिलाएं और बेसिकली घूमती हैं सर ठीक है कभी किधर कभी किधर वो महिला दिवस के दिन ही क्योंकि टिकट नहीं लगता है ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िए स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन एस एन एज एस्टैब्लिश इन ईयर चलिए सर स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कब बना था बताइए 1920 में 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 बना 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 था 1925 में बना है में बना है या 1935 के अंदर बना है? की बात हो रही है बता दीजिए कि स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन कब बना था सर कब सेलिब्रेट किया था एनी कब सेलिब्रेट किया था भाई बताइए तो या कब बनाया था तो एस एन ए की बात कर रहे हैं एस एन ए स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन तो याद रखिएगा 1929 के अंदर सेलिब्रेट किया था या 1929 के अंदर इसको बनाया था और फिर बाद में सेलिब्रेट किया था कब 1929 को ठीक है इसी के साथ सी इज द राइट आंसर है आप सभी का ठीक है और आपसे पूछ ले कि एस एन ए का हेडक्वार्टर कहाँ है अगर एस एन ए का हेडक्वार्टर पूछ ले तो बता देना दिल्ली के अंदर ही है सर दिल्ली के अंदर ही एसएनएस स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन का हेड क्वार्टर ठीक है कहां पे है एसएनए का तो दिल्ली के अंदर है ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा 1929 के अंदर के अंदर स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी क्लियर चलिए आगे बढ़िए अगला एमसी क्वेश्चन हिंद part of. हिंद निवारण संघ इज ए पार्ट ऑफ हिंद निवारण संघ किसका पार्ट है एंटीडोट्स एक्टिविटी एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी एंटी लेप्टो एक्टिविटी एंटी ट्यूबर क्लोसिस एक्टिविटी चलिए सर अब इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होने वाला है आप सभी को ठीक है क्योंकि इसके अंदर डोट्स भी आ गया है और एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी भी आ गई है बताइए सर किस हिंदू कुष्ठ निवारण है वो किसका पार्ट है सर अरे भाई किसका पार्ट है बताइए वेरी गुड कुछ बच्चे कंफ्यूजन हैं तो वो देख लेते हैं तो याद रखिएगा हिंद कुष्ठ निवारण ये पार्ट है किसका एंटी लेप्रोसी का जो हिंद कुष्ठ निवारण है इसकी बात करें तो 1950 के अंदर इसको फाउंडेड किया था कब 1950 के अंदर हेडक्वार्टर अगर इसका पूछ लेते हैं तो दिल्ली बता के आना है क्योंकि दिल्ली में दिल्ली हेडक्वार्टर है देश की राजधानी है इसलिए सभी हेडक्वार्टर वहीं पे हैं सर ठीक है तो मैग्मम हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर ही होते हैं ठीक है तो याद रखिएगा सर ठीक है दिल्ली के अंदर बहुत सारे हेडक्वाटर हैं हर चीज़ के हेडक्वार्टर मिल जाएंगे आपको दिल्ली के अंदर ठीक है तो दिस इज द हिंद कुष्ठ निवारण संघ किसका पार्ट है तो बता देना कि एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी का पार्ट है किसका एंटी लेप्रोसी एक्टिविटी ठीक है याद रखिएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला एमसीक्यू देखते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू अरे भाई यू की फुल फॉर्म बताओ यू की फॉर्म बताइए यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिक नर्सिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या यूनाइटेड नर्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताइए यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए अरे आप लोग डंपा डंपा मत करिए भाई यूएनडीपी के बतानी है आप सभी को यूएनडीपी की फॉर्म बताओ अरे इसके अंदर तो बहुत इजी है सर वेरी गुड वैसे मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ए इज द राइट आंसर होगा सर जो यू होता है वो इसे ही बोला जाता है वेरी गुड ठीक है यू इसे ही बोला जाता है सर ठीक है तो कितना हो गया सर वेरी गुड राइट आंसर क्या रह गया आप सभी का राइट आंसर कितना क्या रह गया तो राइट आंसर हो गया ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिएगा। इंडिया इंडिया इन। बताइए। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इलनेस। है। वो इंडिया के अंदर किस चीज को अडोप्ट किया था आई एम एनसीआई आर सी एच इनकी सबकी फुल फॉर्म याद रखिएगा पूछ ली जाती है सर बिल्कुल अरे इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा पूछ ली जाती है ठीक है फुल फॉर्म लिख लीजिए आई एम सी आई का होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस एनआरएचएम की पूछ लेता है तो बता देना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक आता आई सी डी एस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एक आता आर सी एच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ इनके अगर ये पूछ लेता है फुल फॉर्म तो बता देना है ठीक उसको इंडिया ने किस रूप में अपॉइंटेड किया है किस रूप में अडोप्ट किया है तो इज द राइट आंसर आई एम एनसीआई कर दिया ठीक है किस रूप में आई एम एनसीआई और जोड़ दिया नियोनेटल चाइल्ड नियोनेट की केयर भी करेंगे ठीक है भाई आई एम एन आई एम सी आई का तो मतलब क्या था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड हुड विनेस की भाई बच्चों की लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं हम तो नियोनेट की भी केयर करेंगे तो एन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया और आई एम एन सी आई बना दिया ठीक है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल नेटल चाइल्ड हुड विलनेस क्लियर है ठीक है इसी के साथ इंटीग्रेटेड चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आई सी डी एस इसके इसी के अंदर जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है अरे इसी के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर आती है आपकी ठीक है इसी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर आती है ठीक है याद रखिएगा एन आर के अंदर कौन आती है तो आशा आती है इसके अंदर कौन आती है आपके आशा वर्कर आती है ठीक है जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट क्लियर चली अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड इलनेस केयर इज बताइए रेंडर्ड टू ओनली न्यू अंडर फाइव चिल्ड्रन दो महीने से लेकर पांच साल तक के बच्चे या एज अप टू टू मंथ एंड टू मंथ टू फाइव ओल्ड चिल्ड्रन बताइए कि आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड इलनेस आई एम के अंदर आप कितने आप कितने एज ग्रुप तक केयर देंगे बताइए ये पूछा है डायरेक्ट ठीक है कहने का मतलब है एमसीक्यूज को इस तरीके से लेंथी कर दिया जाता है कि आपके समझ में नहीं आए कि क्या पूछा है लेकिन पूछा यही है कि आई एम एनसीआई के अंदर कितनी केयर कितने एज ग्रुप तक के बच्चों को केयर देनी है तो बताइए सर कितने एज ग्रुप तक के बच्चों को देंगे बताइए भाई कितने एज ग्रुप तक के देंगे बिल्कुल इसके अंदर भी कन्फ्यूजन चल रहा है तो याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर होगा आप सभी का क्या करेंगे दो महीने से लेके दो महीने तक पहले तो बच्चों को केयर देनी है और ज्यादा क्रिटिकल है तो दो महीने से लेके उसको कब तक पांच साल तक क्या करते हैं केयर देते हैं ठीक है थीके? याद रखना एज अप टू मंथ दो महीने से शुरू करते हैं इसके अंदर ठीक है याद रखिएगा ये से साल नहीं पहले दो महीने तक के बच्चों को भी केयर देनी है Neonatal का मतलब क्या होता है दो महीने तक के बच्चे के अंदर ठीक है उसको भी केयर देनी है याद रखिएगा नियोनेट और न्यूबोर्न क्या होता है जीरो से अट्ठाईस दिन का बच्चा तो केयर तो उसकी भी करनी है इंक्लूड उसके ये भी आएंगे आईएमएनसीआई के अंदर ठीक है आप बोलेंगे सर सी आंसर क्यों नहीं हुआ यहाँ पे स्टार्ट ही दो महीने से हो रहा है दो महीने से पांच साल तक तो दो महीने से मान लो कोई पैंतालीस दिन का बच्चा है डेढ़ महीने का बच्चा है ठीक है अरे भाई कोई महीने का बच्चा है कि आप उसको आई के अंडर में नहीं आएगा भाई इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए ठीक है लेकिन नहीं करते हैं इसलिए इसको क्या है अप टू दो महीने तक और फिर दो महीने से पांच साल तक ठीक है तो ये चीजें याद रखिएगा दिस इज द डी इज द राइट आंसर इसीलिए डी क्या है राइट right आंसर है आप सभी का क्लियर है चलिए आगे बढ़िए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है इंडिया की वो कब आई थी 2002 1983 दो उन्नीस सौ तिहासी उन्नीस सौ बताइए कब आई थी अरे भाई बताइए कब आई थी तो देखो मैं आपको बात बता दूं नेशनल जो पॉपुलेशन जो पॉलिसी है ये आपने आई थी 1976 के अंदर कब आई थी 1976 के अंदर आई थी इसीलिए ये सारे ऑप्शन गलत है ये सारे ही ऑप्शन गलत है सर बिल्कुल ऑप्शन गलत है याद रखिएगा 1976 के अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी ठीक है इसलिए तो जो बच्चे ए बी सी डी जवाब दे रहे हैं वो तो कम आ रहे हैं भाई ठीक है उनको सिर्फ ऐसे ही ठीक है उनका जब इसके अंदर से कोई आंसर ही नहीं है राइट आंसर है 1976 के अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई है ठीक है तो ए बी और सी तो जवाब ही नहीं देना था ठीक है कितनी कब आई थी 1976 के अंदर याद रखिएगा सर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है कब आई थी चलिए आगे बढ़िए द फॉलोविंग आर सम ऑफ द न्यू रिवाइज पॉपुलेशन पॉलिसी एक्सेप्ट बताइए न्यू रिवाइज पॉपुलेशन

अरे बता दीजिए अरे भाई रिवाइज पॉपुलेशन आई है न्यू रिवाइज पॉपुलेशन पॉलिसी आई है तो इंक्रीजिंग फीमेल लिटरेसी रेट भाई कहने का मतलब महिलाओं को शिक्षित करेंगे इसके रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग हर चीज एजुकेशन करेंगे शिक्षित करेंगे एक आता है प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड बिल्कुल सही है जब पॉपुलेशन पे पॉलिसी आई है तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिंग मेथड स्पेसिंग मेथड को क्या बोलते हैं स्पेसिंग मेथड होता है आपका ये याद रखिएगा टेम्परे मेथड होता है क्या होता है अरे टेम्परेरी मेथड बोलते हैं टेम्प्रेरी मेथड ठीक है टेम्प्रेरी मेथड बोला जाता है स्पेस दे दिया जाता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में स्पेस देना ठीक है याद रखिएगा कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं लिंकेज विथ एंटी पॉवर्टी स्कीम ये भी सही है तो राइट आंसर क्या हो गया राइट आंसर हो गया आपका ए प्रमोट करेंगे वन चाइल्ड फैमिली को ये इसके अंदर नहीं आएगा इसके अंदर नहीं आएगा अरे इसके अंदर नहीं आएगा कि एंड जो न्यू रिवाइज हुई है पॉपुलेशन पॉलिसी इसके अंदर ये चीजें नहीं आएगी कि प्रमोट करेंगे वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स कि भाई एक ही बच्चा होना चाहिए ये कोई रिवाइज नहीं किया था ठीक है याद रखिएगा तो दिस इज द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ आवर क्लास ठीक है आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी ठीक है सभी बच्चे जाने से पहले एक बार क्लास को लाइक like कर दीजिएगा प्रेस द लाइक बटन जी हाँ अगरबत्ती लगा दीजिएगा ठीक है चलिए तो आप सभी याद रखिएगा जो जो चीजें बताई हैं ठीक है एक नोटबुक बना लिया करो और लिख लिया करो सर नोटबुक बना के लिख लिया करो ठीक है क्योंकि एग्जाम टाइम में वीडियो देखना पॉसिबल नहीं रहता है ठीक है आप मेरी जैसे इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो आपके एग्जाम टाइम सारी वीडियो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे लेकिन आप अगर रफ कॉपी में या फिर जो भी आपके नोटबुक है उसके अंदर आप नोट कर लेते हैं तो एग्जाम टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर ब बाय थैंक यू